My dear students, I know you are eagerly waiting for my video. Today's topic is the sentence. Today's video is also about sentences. Okay, firstly, look at these letters A, L, G, M, O. There is no meaning. There is no correct word. इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. नाउ रीअरेंज इट. इन लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे. एम, यू कैन ट्राई, यू कैन ऑल्सो ट्राई. एम ए एन जी ओ मैंगो. मैंगो मीन्स आम. मीन्स आफ्टर रीअरेंजिंग वी कैन फाइंड अ करेक्ट वर्ड विच गिव अ मीनिंग. इन लेटर्स को रीअरेंज करने के बाद हमें जो मीनिंग हमारा जो वर्ड निकला है उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है. मैंगो. मैंगो मीन्स आम. नाउ लुक एट दीज वर्ड्स. लव, चिल्ड्रन, मैंगोज. इट गिव्स अ फनी साउंड. लव, चिल्ड्रन, मैंगोज. देर इज नो मीनिंग. ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो इनको सेंटेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बना नहीं है. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. नाउ रीअरेंज इट. इन वर्ड्स को रीअरेंज करो. फर्स्टली चिल्ड्रन. चिल्ड्रन लव्स, सॉरी लव मैंगोस. बच्चे जो हैं वो आम्स को पसंद करते हैं, आम से प्यार करते हैं. मीन्स आफ्टर रीअरेंजिंग वी गेट अ करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. यस. एंड अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. अगेन लुक एट लव, चिल्ड्रन, मैंगोज. देर इज नो मीनिंग. आफ्टर रीअरेंजिंग चिल्ड्रन लव मैंगोज. इट इज द करेक्ट वर्ड. नाउ वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. नाउ कीप इन माइंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ये आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है. सबसे ऊपर ये है डेफिनेशन. मीन सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं इनका ग्रुप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट इज ऑल्सो ग्रुप लव, चिल्ड्रन, मैंगोज, बट दैट नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मीन दिस इज अ सेंटेंस. नाउ फर्स्ट इज कीप इन माइंड अ सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा जो आपका सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. मैं हमेशा आपको सेकंड क्लास में भी कहती थी कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. एंड द सेकंड पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड दैट अ सेंटेंस इज ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप. आपका जो सेंटेंस होगा वो लास्ट में फुल स्टॉप पे या फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क. तो अ सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. मीन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज द कंप्लीट ऑफ योर सेंटेंसेस. नाउ लुक एट अगेन. आप स्टार्टिंग से पढ़ने लगे हो, आपने सबसे पहले लेटर सीखे, अल्फाबेट सीखे, लेटर सीखे, उन लेटर्स को जोड़ना सीखा. फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में सीखा बी ए टी बैट, सी ए टी कैट. मीन्स यहाँ पे आपने लेटर्स को जोड़ा, तो लेटर्स को जोड़ने के बाद आपको मिला एक करेक्ट वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड जिसका एक मीनिंग निकलता था. उसके बाद आपने इन वर्ड्स को एक सेंस में जोड़ना सीखा, तो आपको मिला एक सेंटेंस. तो दिस इज द टॉपिक. मीन सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. क्लियर? एनी डाउट?
आई थिंक आप सबको सेंटेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है, समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको वर्कशीट में ये सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस के अलावा आप कोई भी और खुद से बना के देखो, या किसी बड़े भाई बहन की कोई और है, थर्ड फोर्थ की कोई बुक है, उन बुक्स को लो और इन सेंटेंसेस को ना रीअरेंज करके देखो। मीन्स एक लेटर का रीअरेंज होना, मीन्स एक कंप्लीट सेंस देना, एक करेक्ट जो सेंटेंस कहलाएगा। ओके, क्लियर? नाउ डू योर बेस्ट। इस वर्कशीट को बार बार प्रैक्टिस करो, इस वर्कशीट की जो आपको आंसर की देती हूँ उनके साथ फिर मिला के देखो, बार बार करो। डू योर बेस्ट। थैंक यू।